रूट्स के बाकी कुछ और कैरेक्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे रूट्स हम लोग किन पोर्शन को कहते थे, ये डिसेंडिंग पोर्शन था प्लांट का, नीचे की ओर जाने वाला पोर्शन था, जो नॉर्मली हम लोगों ने कहा कि नॉन ग्रीन होता है। आप किसी भी प्लांट के रूट को उखाड़ के देखिए कैसा दिखाई देगा, ये ग्रीन कलर का नहीं दिखाई देता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, ट्रैपा, पूरा नाम इसका ट्रैपा नटांस है ना, और दूसरा एक प्लांट है टीनोस्पोरा। ये दोनों पानी में पाए जाने वाले प्लांट है, टीनोस्पोरा एक्वेटिक प्लांट है। इन प्लांट्स के रूट को निकाल के देखो, ट्रैपा नटांस जिसको हम लोग पानी का सिंघाड़ा भी कहते हैं, है ना, पानी का सिंघाड़ा भी हम लोग कहते हैं इसको। ये छोटा छोटा फल होता है जो तिकोना होता है। ये फल कैसा होता है, बिल्कुल छोटा फल है, तिकोना है, ऐसे कांटा निकला रहता है। हम लोग इसको बाहर से कवर को निकालते हैं और व्हाइट कलर के अंदर फ्रूट के पोर्शन को खाते हैं। तो इसके रूट में रूट का कलर, और टीनोस्पोरा के प्लांट में रूट का कलर ग्रीन होता है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाए जाने के चलते रूट का कलर ग्रीन हो गया, तो ये एक्सेप्शन हो गया। तो कुछ एक्सेप्शंस मेडिकल में कभी कभी कुछ क्वेश्चंस एक्सेप्शन के लेवल पे आ जाते हैं। तो नॉर्मली ये डिसेंडिंग पोर्शन है, लेकिन हमने कहा था कि सभी में एक्सेप्शन कुछ ना कुछ मिलते हैं। कुछ पोर्शन, कुछ प्लांट हम लोग डिस्कशन करेंगे जिनमें रूट ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, तब हम उसको बोलेंगे असेंडिंग पोर्शन। अभी हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं तो कहते हैं दे आर डिसेंडिंग पार्ट, है ना। और दूसरा दे आर नॉन ग्रीन, ज्यादातर केस में वो रूट कैसा है, ये ग्रीन कलर का नहीं है, नॉन ग्रीन। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल का कंटेंट नहीं पाया जाता है, बिकॉज क्लोरोफिल्स आर एब्सेंट। फिर हम लोग आते हैं एक्सेप्शन में, क्या बताए, ट्रैपा नटांस एंड टीनोस्पोरा आर एग्जाम्पल। ये दो एग्जाम्पल बता रहे हैं जो एक्सेप्शन है। ट्रैपा नटांस इसका पूरा नाम है, वाटर चेस्टनट भी कहते हैं इसको हम लोग, है ना, वाटर चेस्टनट, पानी वाला सिंघाड़ा। टीनोस्पोरा, इन दोनों प्लांट के रूट्स में रूट का कलर ग्रीन होता है। दूसरा, रूट डज नॉट बियर बर्ड्स, रूट में बर्ड्स नहीं पाया जाता है, लेकिन स्वीट पोटैटो के रूट्स में देखना, हम लोग उसको बोलते हैं शकरकंद, है ना। तो बेसिकली स्वीट पोटैटो में इपोमिया बैटेटस इसका पूरा नाम है, इसका नाम है इपोमिया बैटेटस, बैटेटस इसका स्पीसीज है। वुड एप्पल है ना, एगल मार्बेलोस इसका बॉटनिकल नेम है, वुड एप्पल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी सीजन चल रहा है, आज शिवरात्रि का दिन है, और हम लोग कहते हैं बेल, जो शंकर भगवान के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है, बेल पत्र है ना, बेल के पत्ते को, तो वुड एप्पल उस बेल का नाम है, एगल मार्बेलोस बॉटनिकल नेम है, है ना। परवल ट्राइकोजैंथस, ये गर्मी के दिनों में हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं, परवल ट्राइकोजैंथस। ऐसे प्लांट्स के रूट्स में क्या पाया जा रहा था, स्वीट पोटैटो में, है ना, वुड एप्पल में, ट्राइकोजेंथस परमल में बर्ड्स पाया जा रहा था, रूट में बर्ड्स पाया जा रहा था। इसका मतलब उस बर्ड्स को फिर से लगा देंगे तो इससे प्लांट ग्रो कर जाएगा, क्योंकि बर्ड्स से नया प्लांट ग्रो कर सकता है। दूसरा, रूट एंड्स इन रूट कैप। नॉर्मली हम लोग क्या देखते थे, रूट के एंड पे कैप लाइक स्ट्रक्चर, है ना। लेकिन अब हम लोग कैप के बारे में, मेडिकल में क्वेश्चन आया हुआ था, किस प्लांट में मल्टीपल रूट कैप, मतलब ये वेल कनेक्टेड, ऐसे मल्टीपल बहुत सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं मल्टीपल रूट कैप। स्क्रूपाइन जिसका नाम है पैंडेमस, इस प्लांट में ये रूट कैप पाया जाता है। तो जितने प्लांट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये प्लांट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बॉटनिकल नेम्स जितना संभव वो जानना चाहिए हम लोगों को, और ये हम लोग डिस्कशन करना है हम लोगों को। फिर तीसरा हम लोग देख रहे हैं रूट बियर यूनिसेलुलर रूट हेयर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रूट के हेयर्स कैसे होते हैं। रूट का मेन काम होता है वाटर एब्जॉर्ब करना, ये हमने बनाया रूट से निकलने वाले हेयर को, लेकिन ये दिखा रहे हैं कई सेल का बना हुआ। अगर ऐसा होता तो ये देखो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है और वाटर के फ्लो में दिक्कत होती। अगर ये कई सेल का बना होता तो ये पानी के मूवमेंट में क्या करता, हेल्प नहीं करता, इसीलिए ऐसा नहीं होता है। रूट हेयर्स आर एक ही सेल का बना होता है, ऑलवेज यूनिसेलुलर, ये कैसा होगा, एक ही सेल का बना हुआ होगा, इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया, रूट हेयर्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, नोट्स और इंटर नोट्स स्टेम में पाया जाता है, रूट में नहीं दिखता है। ये जो नोट्स होता है जहां से पत्ते निकलते हैं, है ना, इसको हम लोग कहते हैं नोड्स, और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं इंटरनोड। तो नोड्स एंड इंटरनोड्स ये रूट का कैरेक्टर नहीं है, मतलब दे आर नॉट प्रेजेंट,
तो कभी कभी हमने कहा ना कि प्रेजेंट होना भी कैरेक्टर होता है, और कभी कभी कुछ चीजों का नहीं मिलना भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है. तो नोट्स एंड इंटर नोट्स आर एब्सेंट, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ रूट. तो ये हम लोग रूट को डिस्कशन कर रहे थे. अब हम लोग शुरुआत करेंगे प्रॉपरली रूट के फंक्शन के बेसिस पे, हम लोग देखेंगे प्रॉप रूट और इसके मॉडिफिकेशन को. तो हम लोग कहेंगे टैप रूट क्या मॉडिफिकेशन होगा, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, बट्रेस रूट, क्लाइंबिंग रूट, तो डिफरेंट टाइप के रूट को देखेंगे. फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड देखेंगे, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड देखेंगे. तो ये अलग अलग नाम हम लोग डिस्कस करेंगे. तो अब हम लोग चलेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की तरफ. तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसको एक बार फिर से हम लोग समराइज करके जरा सोचें क्या क्या पढ़ा हमने. सबसे पहला एक सीड को लिए और इसको पानी में फुला दिए. सीड को पानी में फुलाने के बाद इसको ऑब्जर्वेशन करना शुरू किए. क्या देखे, इससे रेडिकल और प्लिम्यूल ग्रो कर रहा था. जो पोर्शन मिट्टी की तरफ ग्रो कर रहा था उसको रेडिकल कहते हैं, और जो पोर्शन प्लिम्यूल ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा था उसको प्लिम्यूल कहते हैं. रेडिकल्स अल्टीमेटली रूट में कन्वर्ट हो रहा था, और प्लिम्यूल अल्टीमेटली शूट में कन्वर्ट हो रहा था. शूट ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं जो स्टेम और लीफ में कन्वर्ट हो जाता है, या स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट हो जाता है. अब पूरे पोर्शन को हम लोग एक एम्ब्रियोनल एक्सिस का नाम दिए. बीच वाले पोर्शन को जो रेडिकल और प्लिम्यूल को जोड़ रहा था हम लोगों ने नाम दिया एम्ब्रियोनल एक्सिस, और कॉटिलेडन के निचले पोर्शन को हाइपोकोटाइल और ऊपर वाले पोर्शन को एपिकोटाइल का नाम दिया. फाइनली हमने बताया रेडिकल जब डेवलप हो जाता है तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसे रूट को हम लोग टैप रूट का नाम दिए. तो रूट टैप रूट हो गया. और दूसरा, जो रूट किसी और पार्ट से निकलता हो, सीड से ना निकलता हो, इसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट का नाम दे दिए. तो रूट दो तरह के हो गए, एक टैप रूट और दूसरा एडवेंटिशियस रूट. लेकिन मोनोकॉट में हमने कहा कि मोनोकॉट के केस में टैप रूट की जगह पे बहुत से छोटे छोटे फाइबर का ग्रोथ हो जाता है, पूरे में बंच ऑफ फाइबर बन जाता है, हमने इसका नाम दिया फाइबरस रूट. तो अब कहेंगे देर आर थ्री टाइप ऑफ रूट. टैप रूट इन केस ऑफ डायकॉट रेडिकल डेवलप इनटू टैप रूट. इन केस ऑफ मोनोकॉट कंप्लीटली देर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइमरी रूट. वो जो रूट रेडिकल से रूट बनता था उसको प्राइमरी रूट कहते थे. प्राइमरी रूट का कंप्लीट रिप्लेसमेंट है, छोटे छोटे फाइबर का ग्रोथ हो गया है, हमने इसका नाम रखा फाइबरस रूट. लेकिन तीसरे तरह के रूट को जो रेडिकल से नहीं निकल रहा है हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट. और एडवेंटिशियस रूट की प्रॉपर्टी होगी ये रेडिकल से नहीं निकल के प्लांट के किसी भी जगह से निकल सकता है, स्टेम से निकल सकता है, लीफ से निकल सकता है, नोट से निकल सकता है, एक्सिलरी बड से निकल सकता है, किसी भी और जगह से निकलेगा, लेकिन कहां से नहीं निकलेगा, रेडिकल से नहीं निकलेगा. ऐसे रूट को हम लोग क्या नाम देंगे, एडवेंटिशियस रूट. तो अब हम लोगों को पढ़ना है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट को भी हम लोग अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे. मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में पहला पार्ट होगा टैप रूट का मॉडिफिकेशन, और फिर हम लोग आएंगे दूसरे पार्ट में जिसका नाम होगा एडवेंटिशियस रूट्स मॉडिफिकेशन. तो पूरे मॉडिफिकेशन को अब नेक्स्ट क्लास जो हम लोगों का है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट. तो ये हमारा टॉपिक है टैप रूट का मॉडिफिकेशन. जैसे हम लोग टैप रूट का मॉडिफिकेशन कहते हैं तो सबसे पहले बच्चों तुम्हारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि अब हम लोग जिस रूट की बात कर रहे हैं सारे के सारे ऐसे रूट सीड से जर्मिनेट किए होंगे. क्यों? क्योंकि सीड से ही रेडिकल ग्रो करता है, और रेडिकल से ग्रो करने वाले रूट का नाम रखे हैं टैप रूट. तो हम लोग ऐसे इसको इनडायरेक्टली कहते हैं कि जब सीड से रूट निकलता होगा, किसी भी दुनिया में कोई भी प्लांट होगा अगर सीड से उससे रूट निकल रहा होगा, दे ऑल आर फॉर्म ऑफ टैप रूट. तो नाउ वी नो अबाउट टैप रूट. टैप रूट की बात हम लोग जान चुके हैं. टैप रूट का मतलब हो गया द रूट विच ऑलवेज डेवलप फ्रॉम सीड. सीड से डेवलप होने वाले रूट को टैप रूट का नाम दे दिए. जब टैप रूट के मॉडिफिकेशन की बात आई तो पहले वाले मॉडिफिकेशन में हम लोग नाम रखे फ्यूजी फॉर्म रूट. ये जो मॉडिफिकेशन है इसका पर्पस पहले लिख दें हम लोग. इसका पहला काम है स्टोर करना, स्टोरेज ऑफ किस चीज को स्टोर करना, फूड को, फूड मटेरियल. तो ये फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए ये रूट का फॉर्मेशन हुआ है. ये रूट में जो भी मॉडिफिकेशन दिख रहा है इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है रूट में फूड को स्टोर करना.
नॉर्मली रूट का ये काम नहीं है, मतलब ये जो हम लोग फंक्शन देख रहे हैं ये डेविएशन देख रहे हैं, रूट के काम से अलग ढंग का काम देख रहे हैं। रूट का काम था एंकरिंग ऑफ द प्लांट, दूसरा काम था टू सप्लाई फूड, तीसरा काम था टू सप्लाई वाटर एंड मिनरल सॉल्ट, तीसरा काम था टू प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन। अब जो हम लोग काम देख रहे हैं वो है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। इसमें पहले फॉर्म को बोला गया फ्यूजी फॉर्म। ये जो पोर्शन दिख रहा है ये हम लोग हाइपोकोटाइल एक वर्ड समझाए थे ना, ये हाइपोकोटाइल का पोर्शन ही है। तो कहेंगे हाइपोकोटाइल क्या कर गया है, स्वेल, ये स्वेल कर चुका है ना, ये फूल गया है। हाइपोकोटाइल क्या कर गया, स्वेल कर गया है, लेकिन स्वेलिंग कैसी है, इन मिडिल, मिडिल में स्वेलिंग है, बीच में, एंड दोनों किनारे पे टैपरिंग एट बोथ एंड्स, दोनों किनारे पे क्या है इसका, दोनों किनारे इसका नुकीला होता जा रहा। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, इसमें कॉन्सेप्ट यह है कि फूड स्टोर होने के बाद इसका शेप कैसा है, तो शेप को समझना है। इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है, यह हाइपोकोटाइल का पोर्शन है, इसका एग्जाम्पल देख के ही समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, हम लोग कहते हैं इसका बॉटनिकल नेम लिखते हैं, नाम लिखते ही आपको पता होना चाहिए किसके बारे में कह रहे हैं, रेफेनस सेटाइवस। अब आपको पता चल गया होगा ये रेडिश का बॉटनिकल नेम है, मूली का बॉटनिकल नेम है, है ना, रेफेनस सेटाइवस। मूली में स्वेलिंग, आप जितनी भी मूली को देखे होंगे ना, ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसके बीच के पोर्शन में स्वेलिंग होती है, ऊपर और नीचे के पोर्शन में नुकीलापन टैपरिंग हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं हाइपोकोटाइल स्वेल कहां पे, इन बिंडल, बट टैपरिंग एट बोथ एंड्स। और इस शेप को, ऐसे शेप को हम लोग स्पिंडल शेप कहते हैं। तो कहते हैं एंड लुक्स लाइक स्पिंडल, तो इसका शेप कैसा हो गया, स्पिंडल, दे बिकम स्पिंडल शेप्ड। तो ये हम लोग कैरेक्टर देखे, किसका कैरेक्टर देखे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑब्जर्व कर रहे हैं, फ्यूजीफॉर्म रूट का कैरेक्टर देखे। इन केस ऑफ फ्यूजीफॉर्म रूट हाइपोकोटाइल स्वेल, पर्पस क्या है, इस पूरे मॉडिफिकेशन का पर्पस है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। और ये मिडल पोर्शन पे स्वेलिंग है, दोनों एंड्स पे पॉइंटेड है, और बोथ एंड्स पे जब ये पॉइंटेड दिख रहा था तो हम लोगों ने कहा कि देखने में इसका शेप अब हो गया स्पिंडल शेप। कैसा हो गया, इट बिकम स्पिंडल शेप। और इसका एग्जाम्पल हो गया रेफेनस सेटाइवस, मूली का बॉटनिकल नेम। और एग्जाम्पल हो गया कॉमनली हम लोग कह दिए रेडिश। ये था फ्यूजी फॉर्म। दूसरा रूट है नेपी फॉर्म, दूसरे का नाम क्या रखे हम लोग, नेपी फॉर्म रूट। स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल पे चार मॉडिफिकेशन है, पहले का नाम है फ्यूजी फॉर्म रूट, दूसरे का नाम है नेपी फॉर्म रूट, तीसरे का नाम है कोनिकल रूट, और चौथे का नाम है ट्यूबरस रूट। तो पहले को हम लोगों ने स्टडी किया फ्यूजी फॉर्म रूट, इसमें तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को डिस्कस किया गया। पहला, हाइपोकोटाइल में स्वेलिंग हुई, हाइपोकोटाइल हमने समझाया है कोटलिडन के नीचे एम्ब्रियोनल एक्सिस के पोर्शन को हाइपोकोटाइल कहते हैं। इस पोर्शन में फूड स्टोर हो गया है और स्वेलिंग हो गई है। स्वेलिंग इस तरह से हुई है कि बीच के पोर्शन में स्वेलिंग है, ऊपर और नीचे के पोर्शन में ये टैपर हो गया है। और ये दिखा रहे हैं इससे रूट, ये पूरा रूट है, इससे रूट हेयर्स निकला हुआ है। और फाइनली इसका शेप देखने में स्पिंडल के समान हो गया है। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं नेपी फॉर्म रूट। नेपी फॉर्म रूट हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, देखते ही सबको याद आ जाएगा, या तो ये बीट है या ये है ना, ये बीट हम लोग खाते हैं, चुकंदर हम लोग कहते हैं वल्गेरिस। अब देखिए ये हम लोग बनाए और इसमें कैरेक्टर हम लोग को दिख रहा है, क्या क्या कैरेक्टर दिखा, प्लांट का नाम हो गया नेपी फॉर्म रूट। नेपी फॉर्म रूट में एग्जाम्पल हो गया, इसमें हम लोग देखते हैं स्वेलिंग कैसे है, तो कहते हैं हाइपोकोटाइल स्वेल, कैसे स्वेल किया, लाइक ए टॉप, लाइक ए टॉप, टॉप कहते हैं लट्टू को, हम लोग बचपन में लट्टू खेलते थे ना,
उसमें सूता लगाते थे और यूं उसको मारते थे मिट्टी में, तो ये लट्टू जो होता था लकड़ी का, उसमें एक कील लगी रहती है, बिल्कुल इसी शेप में है। तो हाइपोकोटाइल में स्वेलिंग कैसी हुई है? हाइपोकोटाइल स्वेल लाइक ए टॉप। और इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या लिखा? बीटा वल्गेरिस, बीट। बीट चुकंदर हम लोग सब कोई देखे भी हैं, खाए भी हैं। तो नेपिफॉर्म रूट में जो क्वेश्चन आएगा, और स्वेलिंग किसके चलते है? स्वेलिंग इज बिकॉज ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ फूड मटेरियल, है ना। किस चीज को एक्युमुलेट किया जा रहा है? एक्युमुलेशन किया जा रहा है फूड का, एक्युमुलेशन ऑफ फूड, फूड का पोर्शन इसमें स्टोर हो गया है और स्वेलिंग का शेप फिक्स हो गया, देखने में ये लट्टू के समान हो गया। इसीलिए ऐसे रूट को हम लोगों ने नाम दिया नेपिफॉर्म रूट। पर्पस दोनों का क्या था? सेम है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। तो हमको चार मॉडिफिकेशन पढ़ना है, जिनमें से दो हम लोगों ने डिस्कशन किया, फ्यूजीफॉर्म एंड नेपिफॉर्म रूट। अब जो दो डिस्कशन करना है वो है कोनिकल एंड ट्यूबरस रूट। तो अब हम लोग नेक्स्ट दो टॉपिक देख रहे हैं। फ्यूजीफॉर्म का कैरेक्टर याद हो गया बच्चों? फ्यूजीफॉर्म में हाइपोकोटाइल स्वेल लाइक स्पिंडल शेप, इन विच मिडल पोर्शन इज थिक, बीच का पोर्शन थिक है, अपर एंड लोअर पोर्शन शोज टैपरिंग, ऊपर और नीचे के पोर्शन में टैपरिंग दिख रही है। नेपिफॉर्म में क्या हुआ? हाइपोकोटाइल स्वेल लाइक ए टॉप, नहीं, पूरी तरह से ये लट्टू के समान हो गया, लाइक ए टॉप। टॉप का कैरेक्टर होता है ऊपर स्वेल करना, नीचे सडन क्या हो जाना, नीचे में सडन टैपरिंग। तो स्वेलिंग लाइक ए टॉप, इसका मतलब हो गया सडन टैपरिंग, अचानक नीचे के पोर्शन में क्या हो जाएगी, टैपर कर जाएगा, नुकीला हो जाएगा, टैपरिंग टुवर्ड्स बेस, बेस की तरफ ये क्या हो जाएगा, अचानक इसमें नुकीलापन दिखाई देगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखे बीटा वल्गेरिस। तो हम लोगों ने कहा कि चार मॉडिफिकेशन है, पहले का नाम रखा फ्यूजीफॉर्म, दूसरे का नाम हमने दिया नेपिफॉर्म। नेपिफॉर्म के बाद जो तीसरा एग्जाम्पल होगा वो है कोनिकल और चौथा है ट्यूबरस। ये चार मॉडिफिकेशन है। नेपिफॉर्म का पहला एग्जाम्पल हमने बताया बीट, बीटा वल्गेरिस, जिसको हम लोग चुकंदर कहते हैं, है ना, और शलजम भी। दो एग्जाम्पल इसका सबसे कॉमन है, एक शलजम और दूसरा नेपिफॉर्म का कैरेक्टर हमें याद हो गया। इसमें हाइपोकोटाइल का पोर्शन ऊपर की तरफ स्वेल किया, नीचे के पोर्शन में ये अचानक टैपरिंग दिखा, देखने में फाइनली ये टॉप के समान हो गया। अब हम लोग कोनिकल रूट को देख रहे हैं। कोनिकल रूट में प्रॉपर ये दिखा रहे हैं, ये इसका पत्ता है, और कोनिकल रूट का एग्जाम्पल हो जाता है कैरेट, गाजर। जब हम लोग गाजर को ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पे फिर हमें कैरेक्टर मिलता है, ये पूरा रूट है, इंटायर रूट में स्वेलिंग तो हुई है, लेकिन क्या कहेंगे, देयर इज ए, लगता है कोई आदमी बैठ के इसको प्रॉपर शेप दिया हो। देयर इज ए ग्रेजुअल डिक्लाइन, ऊपर से नीचे धीरे धीरे करके नुकीला हो रहा है। तो कहते हैं देयर इज ए ग्रेजुअल टैपरिंग, धीरे धीरे टैपरिंग हो रही है, एक सिस्टमेटिक टैपरिंग हो रही है। अपर पोर्शन देयर इज ए ग्रेजुअल टैपरिंग, कहां से कहां, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ। और ये पूरा इंटायर रूट था, कैरेट क्या था, इंटायर रूट स्वेल, पूरा का पूरा ये रूट है जो कि स्वेल हो गया है। और कैरेट का बॉटनिकल नेम है डैकस, डी ए यू सी यू एस, डैकस कैरोटा, क्या नाम हो गया इसका, डैकस कैरोटा। अब इस एग्जाम्पल को हम लोग याद करते हैं, और याद करने के लिए एक छोटी सी कहानी बताते हैं, है ना। ये सब कोई देखे होंगे, कैरेट जिसको हम लोग गाजर कहते हैं, सब बच्चे देखे होंगे, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो गाजर नहीं देखा होगा। देखो अगर इसको यूं पकड़ लें तो ये लगेगा कोई नुकीली चीज है, नहीं, अगर इसको हाथ में ऐसे होल्ड कर लें तो अगला पोर्शन बिल्कुल नुकीला था। तो डैकस कैरोटा नाम कैसे याद रहेगा, इसको याद करने के लिए एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं। हमारे पड़ोस में एक आदमी क्या अचानक एक दिन सुने कि डकैती हो गई, क्या हो गई, डकैती हो गई। तो एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते सुबह सुबह उसके यहां पहुंचे और पूछे भाई साहब क्या हुआ। तो बेचारा बहुत घबराया हुआ था और वो कह रहा था डै डै, इतना ही कह पा रहा था, पूरे बात को नहीं कह पा रहा था कि डकैती हुई, और वो कह रहा था डै डै। हमने फिर उसको पानी वानी पिलाया और पूछा कि बताइए क्या हुई।
तब वो बोला कि डकैती हुई। तो पहले वो जो शब्द बोल रहा था वो सिर्फ इतना ही कह पा रहा था, डे डे कर रहा था। फिर हमने उससे पूछा डकैती हुई कैसे हुई, तो बोला कस के डकैती हो गई। क्या बोला? कस के डकैती हो गई। तो पूरा शब्द बना डे और फिर वो बोला कस के। हमने पूछा किससे आए थे डकैत, वो बोला कार से आए थे डकैत। किससे आए थे? कार से। और फिर हमने पूछा क्या लेके भागे, तो बोले लोटा लेके भाग गए, तो कैरोटा। और जो ही वो डकैत पकड़ाया तो पता लगा उसके पास गाजर था, उसके ऊपर एक रुमाल डाल के वो सटा दिया था और सामान लेके भाग गया था। तो इसका नाम क्या हो गया? गाजर का नाम हो गया डे, डकैती हुई थी, कस के डे कस। किससे आया था? कार से आया था, कार। कैरोटा कार से आया था और लोटा लेके भागा, तो नाम हो गया डेकस कैरोटा। तो बच्चों कैरेट के बॉटनिकल नेम को अब तुम कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ये कहानी के साथ इसको कोरिलेट कर दिए हम लोग। और इसमें फूड कैसे स्वेल हो गया ये भी पता चल गया। फूड जो स्वेलिंग हुई है, देयर इज ए ग्रेजुअल टैपरिंग होना शुरू हुई है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और ये इसका लीफी पोर्शन था, फूड इसमें स्टोर हो गया और एग्जाम्पल हो गया डेकस कैरोटा। चौथे रूट का नाम है ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट की खूबी होती है इसमें कोई प्रॉपर शेप नहीं है, कहीं पे ये मोटा है और कहीं पे ये पतला दिखाई दे रहा है। तो ट्यूबरस रूट की प्रॉपर्टी हो गई यहां भी फूड स्वेलन है। तो इसका एग्जाम्पल है मीराबिलिस जलापा, प्लांट का नाम है 4 o'clock प्लांट, मीराबिलिस जलापा। और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं 4 o'clock प्लांट। इसमें क्या है? फूड स्टोर तो है, लेकिन फूड का जो स्टोरेज है इसका कोई शेप फिक्स नहीं है, कहीं पे ये मोटा है कहीं पे पतला है, शेप इज नॉट फिक्स्ड। यही इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो ट्यूबरस रूट का कैरेक्टर क्या हुआ? ट्यूबरस रूट में रूट कहीं पे स्वेलिंग है, कहीं पे कम स्वेलिंग है, कहीं पे ज्यादा स्वेलिंग है, तो ये इसका डायग्नोस्टिक फीचर है कि द स्वेलिंग इज नॉट यूनिफॉर्म, Neither designed, कोई इसका अपना डिजाइन नहीं है, कहीं पे स्वेलिंग में अचानक फूला हुआ दिख रहा है, कहीं कम फूला हुआ दिख रहा है, तो यही इसका कैरेक्टर हो गया, शेप इज नॉट फिक्स्ड। स्वेलिंग कैसी हो गई? स्वेलिंग इस तरह की है कि शेप इज नॉट फिक्स्ड। तो whenever in a tap root the shape is not fixed, we call it tuberous root. And the most common example of tuberous root is 4 o'clock plant. ये जो प्लांट होता है इसको हम लोग कहते हैं 4 o'clock प्लांट। शाम के 4 बजे के आसपास इसमें फ्लावरिंग फूल खिलता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है 4 o'clock प्लांट। और इसका बॉटनिकल नेम है मीराबिलिस जलापा। तो ये 4 मॉडिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा, चारों मॉडिफिकेशन की कॉमन बात, चारों में फूड स्टोर है। तो रूट का एक और काम हम लोग जान गए, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। द फंक्शन ऑफ रूट इज ऑल्सो टू स्टोर फूड मटेरियल। तो ये चारों प्रॉपर रूट हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये जो रूट पढ़ रहे थे ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो टैप रूट इज मॉडिफाइड इनटू किसमें किसमें? फ्यूजीफॉर्म रूट, नेपीफॉर्म रूट, कोनिकल रूट एंड ट्यूबरस रूट। तो ये 4 मॉडिफिकेशन हो गया, फ्यूजीफॉर्म, नेपीफॉर्म, कोनिकल एंड ट्यूबरस। चारों में कॉमन पॉइंट क्या हुआ? चारों में एक कॉमन पॉइंट हुआ कि इन ऑल ऑफ देम फूड इज स्टोर, चारों में फूड स्टोर है। तो इसका पर्पस हमको मालूम हो गया, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल इज द मेन फंक्शन। स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल के लिए ये 4 मॉडिफिकेशन हमने देखा। तो ये तुम्हारा खत्म हो गया टैप रूट का मॉडिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन को। अब हम लोग देख रहे हैं प्रॉप रूट में और दूसरा मॉडिफिकेशन। इसके पहले जो मॉडिफिकेशन हम लोगों ने देखा वो था For the purpose of storage of food material, है ना? तो अब हम लोग देख रहे हैं टैप रूट मॉडिफाइड फॉर रेस्पिरेशन। ये प्रॉप रूट नहीं, ये टैप रूट है, है ना? टैप रूट मॉडिफाइड फॉर रेस्पिरेशन। ये कहानी है सुंदरबन एरिया की। ये जो रूट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ना, तो ये जा रहे हैं हम लोग एक एरिया है, इसके बारे में हम लोग कुछ बैकग्राउंड बता दें बच्चों, जानना चाहिए। हमारे यहाँ कलकत्ते से लेके, कलकत्ता जो हमारा शहर है, वहां से लेके बांग्लादेश के बीच में जो समुद्री तटीय एरिया है ना, उस एरिया को हम लोग कहते हैं मैनग्रोव एरिया। क्या नाम उस एरिया का?
मैनग्रूव एरिया, और ये बहुत बड़ा एरिया है, मतलब ये समुद्र के किनारे किनारे ये कलकत्ते से शुरू होके और पूरे बांग्लादेश के एरिया तक स्प्रेड कर जाता है। ये समुद्र के किनारे किनारे स्प्रेड करने वाला एरिया है, समुद्र के किनारे का एरिया है। यहाँ बहुत नमी पाई जाती है, बहुत कीचड़ है, और ऐसे एरिया को नाम दिया गया मैन ग्रूव एरिया। इसी एरिया को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सुंदर वन। अब देखो ये बहुत ही प्यारा सा नाम है, सुंदर मतलब होता है ब्यूटीफुल, और वन हम लोग जानते हैं फॉरेस्ट को कहते हैं, सुंदर वन एरिया। तो दिस एरिया आर कॉल्ड एज मैनग्रूव एरिया। ये जो समुद्र के किनारे के एरिया है, ये तट है समुद्र के किनारे का, जहाँ पे कीचड़ है, यहाँ पे रेप्टाइल्स हैं, यहाँ पे एम्फीबियंस पाए जाते हैं, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट भी है। ऐसे फॉरेस्ट एरिया में कुछ प्लांट्स मिलते हैं, उनमें से जो प्लांट की प्रॉपर्टी होती है, उस प्लांट की प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं एक प्लांट है, इस एरिया में ग्रो करने वाले बहुत से प्लांट में जो कॉमन प्लांट होता है, वो प्लांट का नाम है राइजोफोरा। ये प्लांट हो गया राइजोफोरा, और दूसरा एक प्लांट है हेरिटियरा। दूसरे प्लांट का नाम है हेरी टियारा। इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में सुंदरी प्लांट के नाम से जानते हैं। हेरी टियारा प्लांट जो है, इसको लोकल लैंग्वेज में सुंदरी बोला जाता है। क्योंकि इस पूरे एरिया में ये सुंदरी प्लांट डोमिनेंट होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया सुंदर वन। अब समझ में आ गया, सुंदर वन का इट डज नॉट मीन दैट इट इज अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत सुंदर फॉरेस्ट है, बल्कि क्या है, ये बड़ा उल्टा नाम है। सुंदरवन को सोचने से, सुनने से तो लगता है कि बहुत सुंदर फॉरेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे हमने हमने कहा कि सुंदर फॉरेस्ट नहीं है, बल्कि क्या है, ये बड़ा अगली फॉरेस्ट है। यहाँ पे रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, यहाँ एम्फीबियंस पाए जाता है, यहाँ जंगली जंगली बहुत से एनिमल्स पाए जाते हैं। प्लांट भी कोई अच्छा प्लांट यहाँ पे नहीं है, ये मैनग्रूव प्लांट है, कोई फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, लेकिन नाम है सुंदर वन। तो दिस नेम इज कंफ्यूजिंग। नेम नेम क्या है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नाम है। जैसे एक बेचारे अंधे बाबा थे, उनका नाम था नयन सुख। उनसे नाम पूछे कि बाबा आपका नाम क्या है, बाबा ने कहा मेरा नाम है नयन सुख। अब देखिए कैसी पैराडॉक्स है ये बातें ना, बेचारे को आंख नहीं और नाम है नयन सुख, बिल्कुल ऐसे ही बातें हैं। यहाँ भी ये कहलाता है सुंदर वन, जबकि यहाँ सुंदर कुछ भी नहीं है। ऐसे एरिया को हम लोग मैनग्रूव एरिया कहते हैं। ये देखो मडी एरिया है, ये मड है ना, कीचड़ से भरा हुआ एरिया है, और मड में ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, दिस इज डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या हो गई, ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरिया है, दिस इज ऑक्सीजन डेफिशिएंट। यहाँ पे मड में ऑक्सीजन की कमी है। अब प्लांट के रूट को ऑक्सीजन की जरूरत थी, ये दिखा रहे हैं प्लांट का रूट है, ये इसका लीफ है, ये ब्रांचेस है ना। तो प्लांट के रूट को किसकी जरूरत थी, प्लांट के रूट को ऑक्सीजन की जरूरत थी। अब प्लांट के रूट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ये बेचारा ऑक्सीजन का डिमांड करता है, किससे मांगेगा, इसके फैमिली में ये लीफ है, इससे कहता है लीफ दीदी, ये कह रहा है लीफ दीदी, लीफ को दीदी करके बुला रहा है, और कह रहा है लीफ दीदी प्लीज प्रोवाइड मी ऑक्सीजन। ये क्या कह रहा है, ऑक्सीजन हमको चाहिए। कौन कह रहा है, रूट कह रहा है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये जो रूट कह रहा है ऑक्सीजन, तो दीदी का जवाब आता है कि आई वोंट गिव यू ऑक्सीजन, यू मैनेज योर ऑक्सीजन योर सेल्फ। बड़ी ही सेल्फिश दीदी है, क्या कहती है कि तुम अपना ऑक्सीजन खुद ही मैनेज करो, मैं तुम्हें ऑक्सीजन नहीं दूंगी। तो ये जो ऑक्सीजन नहीं दिया गया, तो बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं था। नॉर्मली रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता था, लेकिन अब इनमें से कुछ रूट इस कीचड़ से ऊपर निकलना शुरू किया, और इसमें छोटे छोटे पोर्स डेवलप हो गए। इसमें क्या डेवलप हो गए, छोटे छोटे पोर्स डेवलप हो गए। इस छोटे छोटे पोर्स को नाम दिया गया लेंटिसेल्स या न्यूमेटोथोड्स। क्या नाम दिया गया इसका, छोटे पोर को कहा गया न्यूमेटोथोड या लेंटिसेल्स। और
इस रूट को बोला गया है न्यूमेटोफोर। न्यूमेटो मतलब होता है स्मॉल ओपनिंग और फोर का मतलब होता है टू बियर, धारण करना। फोर शब्द का मतलब होता है टू बियर। अगर हम लोग पेन अपने जेब में रखे हैं तो हम लोग कहेंगे वी आर पेन फोर। लड़कियां गले में माला लगाई हुई हैं, दे आर माला फोर। लड़के अंगूठी पहने हुए हैं, दे आर अंगूठी फोर। तो फोर शब्द का मतलब समझ में आ गया, फोर मतलब होता है धारण करना, टू बियर। अगर हम घड़ी पहने हुए हैं तो वी आर घड़ी फोर। समझ में आ गई बात। तो फोर का मतलब जहां भी बायोलॉजिकली फोर शब्द लगा रहे उसके पहले वाले पैरेंट वर्ड को देखना है। इसका मतलब यह है कि जो पहले वाला शब्द है वो उसको धारण किया हुआ है, उसको बियर कर रहा है। तो ये होता है। तो इस रूट की प्रॉपर्टी क्या होगी, इस रूट को क्या बोला गया, न्यूमेटो स्मॉल ओपनिंग को बियर करने वाला। और स्मॉल ओपनिंग का नाम क्या दिया गया, लेंटिसेस। ये किस रूट में मिला, जो रूट मिट्टी से ऊपर ग्रो किया, मतलब ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक हो गया। तो देखो अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना पहले वाले क्लास में कि रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, लेकिन अभी अभी एक्सेप्शन दिख गया, रूट्स आर ऑल्सो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। किस प्लांट में दिखा, जिस प्लांट में दिखा, इस प्लांट का नाम है राइजोफोरा, है ना। एक प्लांट पहला एग्जाम्पल लिए हम लोग राइजोफोरा, दूसरा है हेरिथियारा। दूसरे एग्जाम्पल का नाम क्या दिया हम लोग, हेरिथियारा। और हेरिथियारा को हम लोग सुंदरी के नाम से भी जानते हैं, और इसके नंबर ज्यादा होने के चलते इस फॉरेस्ट को हम लोग सुंदर वन का नाम दे दिए। तो यहाँ पे तीन चार मेडिकल में अच्छे क्वेश्चंस हैं, और पूरी प्रॉपर्टी को फिर से हम डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज। द सॉइल इज डिफिशियंट, मडी एरिया है विच इज ऑक्सीजन डिफिशियंट। पहली प्रॉपर्टी हो गई, यहां पे ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, इसीलिए रूट कैसा हो गया, रूट बिकम नेगेटिव जियोट्रॉपिक। दूसरी प्रॉपर्टी, यहां के प्लांट में रूट्स को ऑक्सीजन की जरूरत थी, रूट में क्या मिला। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस रूट में छोटे छोटे पोर्स मिल रहे हैं, दीज पोर्स आर कॉल्ड एज न्यूमेटोथोर या लेंटिसेल्स। और इस छोटे पोर को बियर करने वाले इस रूट का नाम दे दिया गया न्यूमेटोफोर, और इसका एग्जाम्पल हो गया राइजोफोरा एंड हेरिटेरिया। तो ये राइजोफोरा और हेरिटेरिया क्या किया, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्पिरेटरी रूट। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, सो दिस इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ रेस्पिरेटरी रूट। तो ये तुम्हारा एक प्रॉप रूट का मॉडिफिकेशन हम लोग देख रहे थे, टैप रूट का मॉडिफिकेशन देख रहे थे, जिनमें सबसे पहले हमने देखा चार मॉडिफिकेशन, फ्यूजीफॉर्म, नेपीफॉर्म, कोनिकल एंड ट्यूबरस चार रूट। अब टैप रूट में फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन हमने मॉडिफिकेशन देखा, और इस रूट को हमने नाम दिया न्यूमेटो फोर, है ना। और इस रूट का और पूरे प्लांट का नाम था, उस पोर्स का नाम था लेंटिसेल्स या न्यूमेटोथोर्स, एग्जाम्पल था राइजोफोरा एंड हेरिटेरिया। प्लांट किस एरिया में ग्रो कर रहा था, इस एरिया का नाम है मैनग्रोव एरिया और सुंदर वन एरिया। तो ये तुम्हारे प्रॉप। अब हम लोग आएंगे मॉडिफिकेशन फॉर डिफरेंट पर्पस, टैप रूट का मॉडिफिकेशन के बाद अब हम लोग आएंगे एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन में। एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन में पहले पर्पस जानेंगे कि किस पर्पस से ये मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो पहले हेडिंग होगी फॉर द पर्पस ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट के लिए ये कैसे कैसे डिवाइड होता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा।